आपने अभी अभी एक बात कही कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स और इनलाइन परमिट्स पर बैन रखेंगे अभी लॉकडाउन। आप पहले भी इशारा देते रहे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम एकदम बैन हटा देंगे, ऐसा नहीं है, तो कब तक आप प्लान करते हैं इस बैन को हटाने का? इसमें देखिए, क्योंकि आपका लाइफ है तो दुनिया है, अभी लाइफ ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए हमारा यहाँ के जितने भी जो सिटीजन्स है, सबका यही एक रिक्वेस्ट है कि ILP फर्दर इशू नहीं करना है और PAP तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ILP को हम लोग अभी फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, देख लेंगे अभी 17 मई तक इसका हालत क्या होता है। कोरोना में कुछ अगर डेवलपमेंट, कुछ अच्छा कोई डेवलपमेंट आता है तो देन वी कैन रीथिंक इट। लॉकडाउन 2.0 के पहले पीएम मोदी के साथ सारे सीएम्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके बाद आपने एक ट्वीट किया, उसको लेकर काफी सवाल जवाब हुए, तो आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर आपने कहा कि जिसने लिखा था उसको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन आपकी बातें, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसको सुन के तो किसी को शक हो ही नहीं सकता कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपकी टीम में किसी को हिंदी नहीं आती होगी। चक्कर क्या था आज बताई दीजिए। नहीं नहीं इसमें देखिए कुछ उसमें कुछ इंटेंशन खराब नहीं था, वो कभी कभी हो जाता है, गलती होता है, सबसे होता है। जो हमारा जो ऑफिसर जो ट्वीट हैंडल जो करता था, जल्दबाजी में उन्होंने गलत टाइप मार दिया, ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। जो बाद में मैं रियलाइज किया तो उसको मैंने कहा कि तुरंत डिलीट करने के लिए, कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन इसमें आप तारीफ मिस कर गए, मैंने तारीफ की आपकी हिंदी की जी, आपने तारीफ मिस कर दी, मैंने आपकी तारीफ भी की कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा ओके। हाँ देखिए, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है पूरा नॉर्थ ईस्ट में, भले ही हमारा ग्रामर थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ के गांव वाले भी बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं यहाँ पे। एक तरफ केंद्र सरकार की तारीफ भी कर, आप भी खुद कर रहे हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा रोड मैप प्लान किया, उन्होंने लॉकडाउन प्लान किया, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल सरकार पर उठाए हैं और सरकार का यह कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार, विपक्ष का कहना है कि सरकार चूक गई है आर्थिक मोर्चे पर और लॉकडाउन जो था वो अनप्लान्ड था। लास्ट कमेंट आपका इसको लेकर। हाँ देखिए, इस जो एलिगेशंस जो ऑपोजिशन वाला जो कर रहा है वो, उसको मैं टोटली ही बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल प्राइम पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता, तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। और उस वक्त में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ था, मैं अपना स्टेट का भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना वायरस पहुंचने से पहले हमारा यहाँ पे राज्य में एक वेंटिलेटर तक नहीं था, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सेट पार्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अभी तक हमने उसके बाद में पूरा 10 वेंटिलेटर रेडी कर दिया है, अनदर 5 डिस्ट्रिक्ट में भी वेंटिलेटर हम लोग अभी 1-2 हफ्ता में रेडी हो जाएगा और 50 वेंटिलेटर और अभी 15 दिन में लग जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करता तो देखिए हर एक राज्य में उतना वेंटिलेटर्स शायद मुश्किल ही था, और आज देखिए सब राज्य के पास में कैपेबिलिटी आ गया है वेंटिलेटर्स का जी। तो सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। जहां तक हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, हमारे यहाँ में भी ऑपोजिशन है, मगर हमारा ऑपोजिशन भी जो संकट के टाइम में हम लोग एक साथ जुड़ के, पहले जिसे कहा कि टीम अरुणाचल का मंथन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य में ऑपोजिशन है, मगर वहां से हमको पॉलिटिकली टारगेट करके ब्लेम गेम हम लोग यहाँ नहीं खेलते हैं। शुक्रिया पेमा खांडू आज तक पर आने के लिए, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश। बहुत धन्यवाद पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश की सक्सेस स्टोरी बता रहे थे। और पेमा खांडू आपको और ज्यादा आना चाहिए, टीवी चैनल्स पर दिखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि कम से कम देश के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो वो दूर भी हों, खासतौर पर आपकी भाषा से जो कनेक्ट, जो जुड़ाव आज लोग महसूस करेंगे वो दूर तक जाएगा।